जी नाजरीन खबर शामिल करते हैं मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर से। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान का गढ़ी दुपट्टा का दौरा, मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद आसम रफीक। जी आसम रफीक तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान का गढ़ी दुपट्टा का दौरा, उन्होंने बढ़ियारा शरीफ माई साहिबा की फातिहा खवानी की। इस मौके पर हेडमिनिस्ट्रेटर तारक अब्बास डार, डिप्टी हेडमिनिस्ट्रेटर यासर खान लोधी, राजा उस्मान हैदर, राजा जैन महमूद, चेयरमैन जकात सलीम चिश्ती वगैरह ने बढ़ियारा शरीफ माई साहिबा की फातिहा खवानी की, उनके खानदान वालों के साथ इजहार अफसोस किया। कैमरा मैन टीम के साथ मैं हूँ आसिम रफीक, डिप्टी ब्यूरो चीफ 29 न्यूज मुजफ्फराबाद। जी नाजरीन खबर शामिल करते हैं कुजरावाला से। कामोगी के इलाका साधो की राजेबा रोड पर चोरी की वारदात, चोर घर का कीमती सामान ले उड़े, मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ब्यूरो चीफ कुजरावाला मोहम्मद शहजाद। जी मोहम्मद शहजाद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी साधो की राजबा रोड पर चोरी की वारदात, चोर जाते हुए घर का सारा सामान जिसमें फ्रिज जेवरात और कीमती सामान ले उड़े। पुलिस ने जायब कुआ पर पहुंच कर मुकदमा दर्ज करके मुजमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहजाद 29 न्यूज कामो की गुजरावाला। जी नाजरीन दूसरी खबर भी शामिल करते हैं कुजरावाला से। थाना सदर कामों की पुलिस की कार्रवाई, शरीफपुरा में गली में हवाई फायरिंग करके खौफो हरास फैलाने वाला मुलजम गिरफ्तार, मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ब्यूरो चीफ कुजरावाला मोहम्मद शहजाद। जी मोहम्मद शहजाद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। थाना सदर कामों की पुलिस की शरीफपुरा में कार्रवाई, गली में हवाई फायरिंग करके खौफो हरास फैलाने वाला मुलजम गिरफ्तार। मुलजम आरफ करामन ने फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। मुलजम आरफ हवाई फायरिंग करके एक मोहल्लेदार को डराता धमकाता था। पुलिस ने ASI इनामुल्लाह राशिद की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजम आरफ से असला बरामद करके मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहजाद 29 न्यूज गुजरावाला। जी नाजरीन खबर शामिल करते हैं कराची से। चेयरमैन ममार हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अब्दुल रशीद हाशम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ब्यूरो चीफ कराची जावेद पारिक। जी जावेद पारिक तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल खबर अब्दुल रशीद हाशम चेयरमैन ममार हाउसिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नमाज जनाजा में तकसीम में सैकड़ों अफराद की शिरकत, अचानक रेलवे पर हर आकाश हुआ पसमंदगान में एरिया और तीन साहबजादों को सोवार छोड़ा। नमाज जनाजे बेतुल इस्लाम मस्जिद DHA फेज 4 में तकसीम और वखाई मेमन जमा जमात कब्रस्तान नवाजगढ़ में अमल में आई। मरहूम खुश मिजाज और खुश इखलाक और नेक तबीयत के इंसान थे। शिरकत करने वालों ने मरहूम की जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया, जिसमें मोहसिन शेखानी, हाजी रफीक परदेसी, अकील करीम डेडी, मोहम्मद अली टब्बा, आरिफ अजीब, मोहम्मद हसन बख्शी, हनीफ गोहर, मुख्तार आकिल, निशान अरताब, लोबिया और महमूद तंगवाला, वाइक नईम समेत दीगर ने घेर ताजुब के इजहार का और रंज गम का इजहार किया। साबिक वजीर खजाना पाकिस्तान
मुफ्ता इस्माइल, अफजल चामड़िया, अहमद गोलियर, याया पुरानी, तारिक पुरानी, आसिफ मजीद गुलाम, आसिफ नूरानी, हसनैन परदेसी और समद हबीब की जानिब से गहरी ताजिब और रंजवागम मोहम्मद जावेद तारिक ब्यूरो चीफ 29 न्यूज कराची। जी नाजरीन, अगली खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। सत्याना रोड पर बस और टाइगो में तसादम, चार अफराद शदीद जख्मी, एक जान बहक। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद इमरान शहजाद। जी इमरान शहजाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद सत्याना रोड पर 77 अड्डा के करीब डेवो बस और वही एस वैगन में टक्कर, जिसके नतीजे में चार अफराद शदीद जख्मी हो गए। एक शख्स मौका पर जान बहक हो गया। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि लाश को पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लवाहकीन के हवाले कर दिया। रिपोर्ट कैमरा टीम के साथ इमरान शहजाद, ब्यूरो चीफ चैनल 29 न्यूज फैसलाबाद। जी जी नाजरीन, अब रुख करते हैं बदीन का। सिंध बार की तरह मातली में भी सिंध सकाफत डे के हवाले से अजीम शान रैलियों का इनाकाद किया गया। रैलियां शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मातली प्रेस क्लब पहुंची। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ब्यूरो चीफ बदीन अकबर कश्मीरी। जी अकबर कश्मीरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध भर की तरह मातली में भी सिंध सकाफत के हवाले से अजीम शान रैलियों का इनेकाद। रैलियां शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मातली प्रेस क्लब पहुंची, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, सिंध यूनाइटेड पार्टी, शहरी इत्तेहाद, सिंध स्टूडेंट फेडरेशन, पीपल्स यूथ के कारकुनों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध सकाफत डे जिंदाबाद, सिंधी टोपी अजरक जिंदाबाद के फलक शराफ नारे लगाए गए। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ 29 न्यूज अकबर कश्मीरी मातली। जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं चमन से। चमन शहर में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के हुक्म पर इत्तेहाद में शामिल तमाम पार्टियों की एक एहतजाजी रैली मुर्गी बाजार ईदगाह चौक से निकाली गई। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ब्यूरो चीफ चमन हबीबुल्लाह चकजई। जी हबीबुल्लाह चकजई, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी चमन शहर में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के हुक्म पर इत्तेहाद में शामिल तमाम पार्टियों का एक एहतजाजी रैली मुर्गी बाजार ईदगाह चौक से निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ शराहों से गुजरती हुई सनातन चौक पर जलसा आम में तब्दील हुई। पीडीएम में शामिल इत्यादियों के कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। जलसा आम से मुकररी ने खिताब करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में आवाम का जीना दोबर कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंच गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि जब तक मौजूदा हुकूमत ख़त्म नहीं होगी चैन से नहीं बैठेंगे और हुकूमत के खात्मे तक इतिजाजी रैलियों और जलसों का सिलसिला जारी रहेगा। हबीबुल्ला चिकजई, ब्यूरो चीफ 29 न्यूज़ चमन।